नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के करण स्टेडियम की ये तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं कि फिफ्थ करनाल डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज करनाल में हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल पूरे विश्व में वर्ल्ड एथलेटिक डे है, जिसको लेकर आज आप देख सकते हैं कि करनाल में किस तरीके से जो बच्चों के अंदर जोश है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी एज कैटेगरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल हमेशा से इतिहास रचता रहा है और इस बार का इतिहास करनाल ने ये रचा है कि पहली बार इस एथलेटिक चैंपियनशिप में ये देखा गया है कि 1000 से भी ज़्यादा बच्चे इन खेलों में आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो 1000 से भी ज़्यादा है। बहुत सारी एज कैटेगरी है, चाहे अंडर 8 की हो, 11 की हो, 14 की हो, 16 की हो, हर एक एज कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ मोहित सैनी है, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। जो एथलेटिक एसोसिएशन, जो करनाल की एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया है। नेशनल प्लेयर हैं, जाने माने प्लेयर हैं और अब करनाल में बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। मोहित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि करनाल हमेशा कोई ना कोई इतिहास रचता है, आज भी मैंने सुना है कि कोई इतिहास रचा गया है। बिल्कुल मैम, आज जो ये डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है ये करनाल में पहली बार ऑर्गेनाइज हुई है करनाल एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से और हरियाणा एथलेटिक्स के सहयोग से। इसमें कुल 1000 बच्चों ने आज भाग लिया है और इसमें हमारी पूरी टीम थी, जो करनाल एथलेटिक्स के सभी कोचेज थे, सभी मतलब एक टीम वर्क जिसको कह सकते हैं कि करनाल में एक स्पोर्ट्स कल्चर को हम डेवलप करना जा रहे हैं और उसमें एथलेटिक्स के लिए जो अब जो नए नए अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कल भी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड लीड एक डायमंड लीग में मेडल गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कल्चर कहीं ना कहीं उठ रहा है। कि पहले कहते थे कि एथलेटिक्स में इतने प्लेयर, इंडियन एशियन प्लेयर्स बहुत कम थे, लेकिन अब जिस तरह का रुझान दिख रहा है लोगों, जिस तरह से बैरियर नीरज चोपड़ा ने तोड़ा है, तो अब ऐसा लगने लगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को नीरज चोपड़ा की तरफ उसमें देखने लगे हैं अभी। तो आज भी काफ़ी बच्चे, मतलब हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि शायद इतने बच्चे आ पाएंगे, लेकिन कोई इंसिडेंटली सभी स्कूल ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया, काफ़ी स्कूल ने हमारे एज अ मतलब कोलैबोरेशन पार्टनर भी बने। तो कहीं कौन सी कैटेगरी से बच्चे यहाँ पर आए हुए, मैं देख रही हूँ हर एज ग्रुप के बच्चे हैं यहाँ। जी मैम, इसमें आज अंडर 8, अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 16 के बच्चे इसमें आज भाग ले रहे हैं और इसलिए इन बच्चों को कराने का सबसे मेन जो मोटिव है वो यही है कि इन बच्चों को ग्राउंड लेवल से इनको एक जो टैलेंट है इनका वो निकाल कर हम ला सके, सामने ला सके। तो इसमें हमें इनको ये पता चल जाए कौन सा बच्चा किस इवेंट में सक्सेसफुल है। तो इसमें हमारे अभी एथलेटिक्स के राजकुमार मितान जी भी आए हैं और नरेंद्र मोर हैं, ये भी हमारे जो सीनियर मेंबर हैं AFI के, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो जो मेन मेंबर हैं, ये आज रिव्यू करने आए हैं कि करनाल में कैसा एथलेटिक्स का क्या ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। ये भी बहुत अभी दिल्ली से डायरेक्ट यहीं पर ही आए हैं, रिव्यू करने आए हैं। रिव्यू कैसा रहा, क्या कुछ देखा इन्होंने? बिल्कुल, ये अभी बस अभी एंट्री की है, ये देख रहे हैं कि बच्चों का आज तक पूरे हरियाणा में शायद ये रिकॉर्ड हुआ मेरी नॉलेज में। मैं जब से आज गेम कर रहा हूँ 12-13 साल से, आज तक डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे कभी नहीं आए, स्टेट लेवल में भी करीबन इतना मतलब करेज नहीं देखा जाता जितना आज डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है। क्या लगता है करनाल में इतना रुझान क्यों बढ़ रहा है खेलों की और बच्चों का, उसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली मैम, पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, अभी क्या है लोकल लोग जो हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे यूनिस पोर्टल राहुल सचदेवा है, विर्क हॉस्पिटल डॉक्टर बलबीर विर्क है, प्रवेश गाबा जी हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स कल्चर को अपना लोकल एज अ मतलब पैशन बनाया कि वो स्पोर्ट्स को चूज कर रहे हैं कि हाँ कि स्पोर्ट्स करनाल में उठना चाहिए। उनका जब तक लोकल स्पोर्ट नहीं होगा, जब तक आप स्पोर्ट्स को नहीं उठा सकते। वर्ल्ड एथलेटिक डे भी है, डेफिनेटली क्या लोगों में एक मैसेज? डेफिनेटली कल हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के ओकेशन पे ये आज हम इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल संडे था तो लोग काफ़ी अपने बिजी रहते हैं, पेरेंट्स उनका वीकेंड्स पे एंजॉय करना चाहते हैं, बट कल भी हमारे सुबह 6 बजे मैराथन है एक एज अ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के ओकेशन पे और आज हमने जो किड्स को दिया है। मैराथन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमारे जो भी करनाल के जो मेन जो सुबह रनिंग फ्री मतलब पैशन फ्री का जो जी बिल्कुल वो सुबह हर संडे को वो करते हैं, बट दिस टाइम वो एथलेटिक जो डे है उसके ऊपर एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज। वो बच्चे भी आएंगे जिन्होंने मेडल जीता है, हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर बच्चे हैं जो भाग लेने के लिए पहुंचे थे। बेटा, व्हाट्स योर नेम? रुद्रवीर। कहाँ से हैं आप? दुल्ला गेट। आज आपने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर? यस। खेलों में कितना मजा आया? बहुत। कुछ जीते हैं अभी आप? नो। पोजीशन नहीं आई, लेकिन कोई डर नहीं लगता उस बात से, कुछ घबराहट नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लग रहा है ना? यस। यस। बिल्कुल। बाकी बच्चों को क्या कहना है? आओ और पार्टिसिपेट करो, फर्स्ट मेडल लाओ, फर्स्ट आओ। ये देखिए बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि आप आओ पार्टिसिपेट करो और फर्स्ट आने की कोशिश करो। बेटा, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रणवीर। ओके, कहाँ से आप? करनाल। आज आपने पार्टिसिपेट किया या फिर किसी के साथ आए हो? पार्टिसिपेट किया मैंने। okay. और मुझे बहुत मजा आया। कभी प्रैक्टिस करने भी आते हो करण स्टेडियम में? आते हो? किन के साथ?
अपने सर का नाम बताओ। मोहित सर। मोहित सर। अच्छा मोहित सर सिखाते हैं आपको, मजा आता है सीखने में? आपका क्या नाम है? आरव। आप सीखते हो? आपकी एज क्या है? 5। 5? ओनली 5? और आप दौड़ते हो, मजा आता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर एज कैटेगरी से हैं। नवराज है हमारे साथ, अंडर 11, राइट? क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं इन कलंजी गेट, इवेंट बहुत अच्छा था, ऐसा करनाल में होता रहना चाहिए। होता रहना चाहिए, मज़ा आता है। हार जीत को अलग रख के देखा जाए तो पार्टिसिपेशन में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं कि जो जो विनर्स रहे हैं, जो जो विनर्स रहे हैं उन्हें भी मेडल दिया गया है, उन्हें भी मेडल दिया गया है और उन्हें भी अभी बुलाया गया है यहाँ पर फ्रंट स्टेज के पास और उसके बाद उन्हें भी मेडल्स दिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि तमाम विजेताओं को अब मेडल पहनाए जा रहे हैं और मेडल पहनाने के बाद ही जो खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th करनाल डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था करनाल एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से और एसोसिएशन के तमाम आपको मेंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी को भी आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडल पहनाया गया है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से इन तमाम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा सके, इस वजह से मेडल्स दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो प्राइज विनर्स रहते हैं उनके अंदर भी एक हौसला और एक जज्बा पैदा होता है कि उन्हें आगे भी इसी तरीके से खेलों में आगे बढ़ना है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।